हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, नीट में जो आज का हम टॉपिक करा रहे हैं वो है चैप्टर सेकंड के पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। और पीवाईक्यू बेटा एक दो साल के नहीं कराएंगे, नीट में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड से। चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा? सरल रेखा में गति। तो इस चैप्टर से 2006 से लेके 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको एक बार पता चलेगा कि आखिर नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पाए जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इस वाले वीडियो से आपको ये आइडिया होगा कि नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होता कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। और साथ ही कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, कुछ आपको शॉर्टकट्स भी बताएंगे जिससे आप लेंथी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। और आप देखेंगे कुछ टॉपिक पे बार बार रिपीट करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा उनका टारगेट केवल आपकी जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके बेसिक्स हैं उनको चेक करना होता है, कहीं भी कैलकुलेशन को चेक करना नहीं होता। तो इसमें लंथी जो कैलकुलेशन होती है, जो हमारी मैथमेटिकल बेस्ड होती है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते नीट में। अरे आएंगे तो एक या दो आएंगे यार, और एक दो के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे। आपको 45 में से अगर 40 प्लस भी कर लिए तो भी बहुत है, 5 क्वेश्चन आपका मार्जिन होना चाहिए कि चलो छोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ी लंथी कैलकुलेशन हो सकती है, आते नहीं है लेकिन हो सकती है, और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे सीधे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यह है नीट 2023, लेटेस्ट क्वेश्चन है नीट 2023 में। क्या आ रहा है? एक वाहन आधी दूरी चाल v से तथा शेष दूरी चाल 2v से चलता है, इसकी औसत चाल है, इसकी औसत चाल निकाली। बेटा आपको बताऊं, ये 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन ये आया है, और ये बीच में दो बार ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसके लिए मैं आपको सीधे फार्मूला बताऊं, इसके लिए फार्मूला होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहली जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स है, अगली डिस्टेंस भी कितनी है बेटा एक्स ही है। यदि पहली दूरी को चलने में वो उसका वेग v1 हो, दूसरी दूरी को चलने में वेग v2 हो, यानी कि समान दूरी मतलब टोटल जो डिस्टेंस थी उसका आधा हिस्सा v1 वेग से और आधा हिस्सा v2 वेग से चल रहा हो, तो इसकी जो औसत चाल का सूत्र होता है, ध्यान रखना, औसत चाल बराबर होती है 2 v1 v2 बटे v1 plus v2। बेटा ये हमारा निकल के आता है आंसर। तो अब आप देखिए, एक वाहन की आधी दूरी चाल v से तथा शेष दूरी 2v से चलता है, तो पहला यानी कि यहां पर v1 का मान कितना आ गया v के बराबर, और v2 का मान कितना आ गया बेटा 2v के बराबर, इसके बराबर आ गया। तो इसकी औसत चाल है, तो औसत चाल कैसे निकल जाएगी, औसत चाल बराबर 2v1 का मान क्या आ गया v, और v2 का मान क्या आ गया 2v, बटे नीचे क्या आ गया v1 का मान, फिर से v1 का मान आ गया v, और v2 का मान क्या आ गया बेटा 2v। तो क्या आ गया ऊपर की ओर 2 × 2 = 4, 4v² बटे नीचे कितना आ गया 3v। अब इस v से ये एक घात कट जाएगी, तो टोटल कितना आ गया 4/3v। ये औसत चाल निकल के आ गई, ये हमारा औसत चाल का सूत्र ये वाला था, औसत चाल, तो 4/3v, तो 4/3v, ये वाला आंसर हमारा क्या सही है। अब ये जो मैंने इसमें आपको बेटा बताया है ना, ध्यान रखना, ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है, ये शॉर्टकट फार्मूला है। आप कहोगे सर बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए यदि आपने इतनी दूरी ली है, तो मान लेते हैं इसमें जो पहली आधी दूरी चलने में लगा समय है मान लेते हैं t1, दूसरी आधी दूरी चलने में लगा समय कितना है बेटा t2। अब इसको डिटेल में सॉल्व करा, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का आपका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ गई, मैंने पहली दूरी भी x ली, दूसरी भी x, तो क्या आ गया x + x, बटे कुल समय क्या हो गया, यहां से यहां तक चलने में t1, यहां से यहां तक चलने में t2 समय लग रहा है, तो कुल समय क्या आ गया t1 + c2। लेकिन t1 t2 तो मैंने अपनी तरफ से लिया ना, मुझे तो डाटा उन्होंने केवल v1 और v2 के फॉर्म में दे रखा था, तो मैं कैसे निकालूंगा। आपको पता होना चाहिए t1 बराबर, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, तो यानी कि समय t1 बराबर क्या हो जाएगा x/v1, और ऐसी हो जाएगा t2 = x/v2 हो जाएगा। ये मान यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो x + x हो गया 2x, बटे t1 का मान क्या हो गया x/v1 + ये हो गया x/v2।
इसके बराबर आ गया। तो इन दोनों से आपने x कॉमन ले लिया तो 2x ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया, ये आ गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो देखिए x से x कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 2 बटे, नीचे एलसीएम क्या आ गया v1 v2, 1 अपॉन v1 1 बटे v2 का एलसीएम क्या आ गया v1 v2, तो ये होगी v2 प्लस क्या आ गया v1। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v1 v2 ऊपर चले गया, 2 v1 v2 बटे v1 प्लस v2। और ये हमारी क्या हो गया एवरेज स्पीड का फार्मूला, ये आ गया औसत जाल का सूत्र, ये आ गया जो मैंने सीधे यहां लगाया था। तो ये इसकी डिटेल तरीका है, आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधे ये वाला फार्मूला लगाना है कि औसत चाल बराबर 2 v1 v2 बटे v1 प्लस v2 के बराबर होगा, ऐसे इसको सॉल्व करना। तो मुझे लगता है आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला लगा करके आप 30 सेकंड से पहले इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 का, नीट 2022 में क्या पूछा हुआ है, उन्होंने एक डायग्राम आपको दे दिया और साथ में क्या कहते हैं, दो गतिमान कणों के विस्थापन समय, ये विस्थापन समय अभिरेख चित्र में प्रदर्शित एक्स अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, पहला वाला 30 डिग्री का और दूसरा वाला 45 डिग्री का कोण बनाता है, उनके क्रमशः वेगों का अनुपात होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि जो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो एक्सटी ग्राफ होता है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो होता है वो प्रदर्शित किसको करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। और वो जो ढाल होता है उसी को प्रवणता कहते हैं, उसी को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसी को हम क्या कह सकते हैं टेन थीटा, और उसी को बहुत सी जगह एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या पूछा उसने, उनके वेगों का अनुपात होगा, पहले का वेग बटे दूसरे का वेग, तो हम सीधे लिख सकते हैं टेन थीटा वन बटे टेन थीटा टू, इसका अनुपात निकालना है। तो टेन थीटा वन यानी कि अल्फा वन का मान कितना आ गया, चाहे ऐसे लिख लीजिए टेन अल्फा वन बटे टेन अल्फा टू, यही आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमारे वेग का अनुपात होगा, वी वन बटे वी टू बराबर टेन थीटा वन बटे टेन थीटा टू, थीटा वन का मान अल्फा वन, थीटा टू का मान अल्फा टू, और ये आ गया टेन अल्फा वन का कितना है 30 डिग्री और अल्फा टू का कितना है टेन 45 डिग्री। तो बेटा टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 और टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा 1/√3। तो वी वन बटे वी टू जो होगा 1/√3 होगा, तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 1/√3, यानी कि आप कह सकते हो 1/√3। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर बी वाला बेटा सही होगा, 1:3। कब आया था बेटा 2020 में आया था। बेसिक बात है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है, और वेग को आप 10 थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आसान है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, किसी समकोण त्रिभुज जिसकी परस्पर लंबवत भुजाओं की लंबाई 2 मीटर है के शीर्ष पर तीन सर्वसम गोले, तीन गोले रख दिए, एक गोला ये M, एक गोला यहाँ और एक गोला इसने यहाँ पर रख दिया, ये भी क्या है M है, तीन गोले रख दिए जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है M, दिखा है आरेख, देखिए दो परस्पर लंबवत भुजाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु मानकर, इस वाले बिंदु को मूल बिंदु मानकर द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी, इसको मूल बिंदु मान लिया, इसको मूल बिंदु मान लिया, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी x1 2 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी आप x1 लीजिए y1 लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यह भी कितनी है 2 मीटर है, आप चाहे y1 ले लीजिए यह भी कितनी है 2 मीटर है। और तीसरी जो इस वाले के लिए है जो दूरी है, यदि एक्स एक्स ही ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसके लिए जेड ले लीजिए, जेड बराबर भी कितना है 0 है, क्योंकि ये मूल बिंदु पे स्थित है तीसरा कण, इसलिए जेड का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तो सेंटर ऑफ मास होता है द्रव्यमान केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ मास, इसका सूत्र होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे होता है बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये वास्तव में y1 z x1 इनको आप चाहे केवल दूरी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी 2 मीटर, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी 2 मीटर, मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान की दूरी क्या होगी 0। तो ये वैल्यूज रखेंगे, यानी कि आप कह सकते हो x1 का मान, आप इसको चाहे x1 ले लीजिए y1 ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करते, m1 का मान कितना है m1, ये मान लेते हैं m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो m1 m2 m3 के मान सेम है, तो क्या गया x1 का मान क्या गया 2, m2x यानी क्या गया m गुणा 2, तीसरा आ गया प्लस m3 का मान m, और दूरी कितनी आ गई 0, तो क्या गया 0 बटे m प्लस m प्लस m।
तो टोटल कितना गया, ये आ गया 2m और 2m, कितना आ गया 4m, बटे कितना आ गया 3m, तो m से m कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 के बराबर आ जाएगा। हाँ अब बेटा एक बात और थी इसमें, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखी है, एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखी है, देखो तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे, m1 x1 m2 x2 m3 x3 है, तो इसको z के पदों में यदि लिखें x1 y1 z, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी वाली इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ बेटा मैं, इसी वाली इक्वेशन को दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम वही है, क्या आ जाएगा m1 x1 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस m2 x2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस m3 x3। ओहो यहाँ पर y लिखना है, देखिए m2 y1 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस m3 y, अब की बार आ जाएगा z1 इंटू यूनिट वेक्टर k, ये हमारे को दे दिया, बट क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए जो मैंने द्रव्यमान के अंदर का सूत्र लिखा था वो वही था, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, बल्कि एक्चुअल में होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, ये बेसिक फार्मूला होता है। तो वैल्यू रखेंगे, m1 का मान हो गया m, x1 का मान कितना आ गया 2, तो इंटू क्या आ जाएगा 2, और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर i प्लस m2 का मान भी m, दूरी कितनी आ गई इंटू 2, और j की वैल्यू क्या आ गई z, m3 का मान क्या आ गया m, j की वैल्यू कितनी होगी 0, और यूनिट वेक्टर कितना आ गया k, बटे तीनों के द्रव्यमान सबके सेम है m प्लस m प्लस m, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 2m यूनिट वेक्टर i प्लस 2m यूनिट वेक्टर j प्लस ये 0k, ये आ गया बटे नीचे क्या आ गया बेटा 3m, इन दोनों में क्या कॉमन है 2m कॉमन है, तो क्या आ गया i प्लस j आ गया, ये तो 0 हो गया, बटे कितना आ गया बेटा 3m, m से m काट गया तो क्या आ गया 2/3, क्या आ गया i प्लस j, ये इसका मान हो जाएगा 2/3 i प्लस j, ये वाला आंसर हो जाएगा सही। जो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, देखिए मैं तो सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, इसके बराबर होता है। तो R1 हमने क्या लिख लिया, केवल x अक्ष पर स्थित है, y और z 0 हैं तो केवल x के पदों में, R2 y के पदों में है, x और z 0 हैं तो इसलिए केवल y के पदों में आया दूसरा, और तीसरा वाला क्या है x y z तीनों 0 हैं इसलिए उसमें क्या आ गया यहाँ k की वैल्यू, जो z है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है आसान है, क्लियर हो गया होगा, 2/3 i प्लस j के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये हमारा क्वेश्चन देखिए बेटा 2020 में आ रखा था, ये नीट 2020 का प्रश्न था, ये वाला जो लेटेस्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वही बता रहा हूं आपको। अगला है, एक खिलौनाकार जिस पर क्यू आवेश है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है, 1 सेकंड के अंतराल में बल क्यू ई के कारण इसका वेग 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, इस क्षेत्र के प्रभाव में खिलौना कार 2 सेकंड तक गति करती है, 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसने सीधे क्या कहा कि एक बल लग रहा है, वो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उससे ज्यादा आप परेशान मत होना, हालांकि आपने जो इलेक्ट्रोस्टेटिक वाला पार्ट है वो भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन सीधे समझ लीजिए वो एफ बल लग रहा है, उस एफ बल के प्रभाव में इसका वेग 0 से 6 मीटर हो रहा है, यानी कि F के प्रभाव में प्रारंभिक वेग U बराबर कितना है 0, और V बराबर क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया ठीक है, कितना समय अंतराल 1 सेकेंड, तो T बराबर क्या आ गया बेटा 1 सेकेंड में, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेते हैं क्योंकि बल लगेगा तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ना, तो क्या आ जाएगा V U T और A, तो पहला समीकरण V इज इक्वल टू U प्लस क्या आ जाएगा बेटा A T, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A बराबर क्या आ जाएगा V माइनस U बटे T, वैल्यू पुट करें V का मान 6, U का मान 0, T का मान कितना आ गया 1, तो A बराबर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण लग रहा है, तो पिंड ने मान लेते यहां से चलना शुरू करा, यहां पर उसका प्रारंभिक वेग U बराबर 0 था, ये चल करके इस बिंदु पर पहुंच गया, यहां पर V बराबर कितना निकल के आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब आगे समझिए, उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, वैद्युत क्षेत्र मान लो इस दिशा में लग रहा था, तो धनावेश इस दिशा में चल रहा था, पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, यानी कि लगने वाले बल की दिशा क्या थी ऐसे, तो त्वरण की दिशा भी यही होगी,
जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में त्वरण। अब उसने वैद्युत क्षेत्र विपरीत कर दिया, तो अब बल की दिशा यहां पर, इस बिंदु के बाद उसने बल विपरीत दिशा में लगा दिया, तो त्वरण की दिशा भी यही वाली होगी बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? पहले कण ऐसे जा रहा था, जैसे ही वह एक सेकंड के बाद उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हुआ, तुरंत क्या कर दिया, बल की दिशा जो पहले इधर लग रहा था इधर कर दी। जब इधर कर देते हैं बल, तो ये जो पिंड है ये तुरंत इस दिशा में गति करना शुरू नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहले इसका वेग घट घट करके क्या जाएगा, 0 जाएगा, फिर उसके बाद वो वहां से इधर की ओर चलना शुरू करेगा, ठीक है? तो अब मेरी बात पे ध्यान देना, अब ये पिंड यहां से आगे तो बढ़ेगा लेकिन इसका वेग घटता चले जाएगा। यदि एक सेकंड इसने 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में इसने समय लिया है 1 सेकंड, तो 6 से 0 में पहुंचने पर भी इसका समय 1 सेकंड ही आएगा, क्योंकि त्वरण का मान नियत है, आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। इस वाली स्थिति में भी जो त्वरण होगा वो 6 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन माइनस के साथ, माइनस के साथ, ध्यान रखना। तो अब देखते हैं उसका यहां पर वेग कितना आ गया। इस बिंदु को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो बीसी के लिए, बीसी के लिए अब की बार बी पर पिंड है तो इसको यू बराबर क्या ले लेंगे, 6 मीटर पर सेकंड, और यहां पर सी पर पहुंचेगा तो वेग वी बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि यहां पर आकर के रुकेगा, जब रुकेगा तभी तो इस दिशा में चलना शुरू करेगा। बात को समझ लो, जब जब तक इसका वेग 6 से घट करके 0 नहीं होगा तब तक ये इस दिशा में लगने वाले बल के प्रभाव से इधर नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना। तो v बराबर क्या हो गया, 0। a का मान आपको पता ही है, a बराबर है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या कर लेंगे, यहां पर हम निकाल लेंगे समय t, कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय होगा, लगेगा, होगा 1 ही सेकंड, लेकिन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो अब की बार t निकालना है, तो ए टी को इधर ले आया, ये आ गया u माइनस वी अपॉन क्या आ गया बेटा, a, इसके बराबर आ गया। तो u का मान कितना हो गया, 6, v का मान क्या हो गया, 0, a का मान कितना हो गया, 6, कट गया, तो t बराबर कितना हो गया, 1 सेकंड। तो अब पिंड को यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड और लग गया, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा बेटा, 1 सेकंड का समय लगा। अब प्रश्न को पढ़िए, उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, इस क्षेत्र के प्रभाव में खिलौना कार और 2 सेकंड तक गति करती है, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में तो ये यहां पहुंच गया, 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, अब ये 0 से फिर से इधर की ओर चलना शुरू करेगा, तो सी से बी तक पहुंचने में दोबारे से इसका वेग कितना हो जाएगा बेटा, 6 मीटर ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 मीटर ही हो जाएगा। तो यानी कि अब की बार फिर सी से लेके बी तक जाएगा तो 1 सेकंड का समय लगेगा, और यहां पर इसका वेग फिर से क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अरे भाई एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 0 से 6 हुआ, 6 से 0 हुआ, फिर 0 से फिर से 6 होगा, तो 1 सेकंड का समय लग रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 3 सेकंड हो गए करती है। तो 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमश है। अब औसत वेग और औसत चाल निकाल, मान लो ये वाली दूरी कितनी है, एक्स, ध्यान रखना, यदि ये दूरी एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये वाली फिर से एक्स होगी। तो औसत चाल निकालते हैं, सबसे पहले देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी होगी, 3x, बटे कुल समय कितना आ गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये भी 1 सेकंड का ही समय ले रहा है ना, तो कितना आ गया, 3 सेकंड। तो औसत चाल कट के हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अच्छा चाल निकालिए, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय आएगा ना बेटा, तो समय हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, औसत चाल, ठीक है, 3 से 3 कट गया, कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी यहां से लेके यहां तक की हम दूरी भी निकाल सकते हैं बेटा, कि 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी चलेगा ये निकाल लेते हैं, किसी भी एक यू से लेके वी तक की दूरी निकाल लेते हैं, ये निकालना छूट गया। देखिए सबसे पहले ए से बी तक, ए से बी के लिए समीकरण आएगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT2। ध्यान दीजिए S का मान हमें निकालना है, U का मान कितना है, प्रारंभिक वेग यहां पर U कितना है, 0, प्लस 1/2। A का मान कितना था, A का मान हमारा निकल के आया था 6 मीटर पर सेकंड, 6 गुणा T का मान कितना था, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा था, क्या गया, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 कट गया यहां से, तो कितना आ गया बेटा, ये 3 आ गया। तो S बराबर कितना आया, ये आया 3 मीटर। तो जो X की वैल्यू है वो वास्तव में 3 मीटर है, यानी कि चूंकि x बराबर कितना है, 3 मीटर, तो औसत चाल बराबर
तीन गुणा तीन बटे तीन कट गया, यानी कि आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया औसत चाल। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। औसत चाल हमारी निकल गई, देखिए तीन किस में आ रहा है, ये कह रहा है औसत वेग, पहले औसत वेग है फिर है औसत चाल, तो चेक कीजिए ये 3.5 है ये, तो ये वाला एक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला, तो यानी कि ये भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। अब मुझे निकालना औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है हम कह सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, यही होता है। तो कुल विस्थापन देखिए ए से चला बी पर, बी से चला सी, और सी से फिर से बी पर आ गया, ये जो एक सेकंड में आया ये फिर से यहां पर आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, एक्स का मान कितना है 3 मीटर, तो कुल दूरी कितनी होगी 3 मीटर, या कुल विस्थापन 3 मीटर, और कुल समय अंतराल एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड 3 सेकंड हो गया। तो लिख लेंगे यहां पर, यहां लिख लेते हैं औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन कितना है बेटा, मैंने कहा वो x के बराबर है, लास्ट में यहां पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी x, यानी कि आ गया 3 मीटर बटे कुल समय कितना है 3, कट गया यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ गया औसत वेग। तो औसत वेग 1 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ये वाला है तो ये ऑप्शन भी ये वाला सही है। बेटा क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस होकर के करना बेटा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान रखना ए से पहले बी चला एक सेकंड में, फिर बी से दिशा विपरीत कर दी तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड ही लगेगा, फिर यहाँ से फिर इस दिशा में जाएगा फिर से 1 सेकंड लगेगा, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। जैसे जैसे बेटा आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें आसान लगेगी। यदि मैं चाहता तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करता, मैं सीधे कहता ए से लेके बी तक जाने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, और त्वरण मैंने यहां पर निकाल लिया, मुझे दो चीजें निकालनी थी, एक ये वाला मान और एक ये वाला मान, दो चीजें निकाल ली थी। 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा, 0 से 6 होने पर 1 सेकंड लगता है, एक्स दूरी चल रहा है, तो 6 से 0 होने में सेम त्वरण में उसको 1 ही सेकंड लगेगा और एक्स ही दूरी चलेगा, ठीक है। फिर सी से बी तक जाने में 1 सेकंड में, क्योंकि त्वरण सेम है तो 1 सेकंड में x दूरी ही तय करेगा, तो ये तीनों दूरियां भी समान होगी और समय भी समान है। तो इससे आप आसानी से क्या कर सकते थे, औसत चाल और औसत वेग निकाल सकते थे, इसके लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो एक बार फिर से समझना उस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने आपको फिजिकली सॉल्व करके दिखाया, यदि मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो बस 0 से 1 में 1 सेकंड और दूरी हो गई 3 मीटर, फिर बी से सी में 1 सेकंड दूरी होगी 3 मीटर, फिर वो सी से बी पर आ गया तो बी में पहुंचने में भी समय 1 सेकंड लगेगा, दूरी 3 मीटर, तो कुल दूरी 3, 3 × 6 3 = 9, तो 9 बटे कुल समय आ गया 3, तो कट के औसत चाल आ जाती 3 मीटर पर सेकंड। अब औसत वेग निकालने से, क्योंकि अंत में वो बी पर पहुंच गया तो ए से बी के बीच की दूरी होगी 3 मीटर, और कुल समय लगा 1, 2 और 3, 3 लग गया तो फिर 3 से 3 भाग देते तो 1 आता। तो ये थी मानसिक कैलकुलेशन, जो आप चाहें तो बाद में कर सकते। चलिए आगे चलते, ये हमारा क्वेश्चन आ रखा था नीट 2018 में, ये प्रश्न पूछा हुआ था बेटा, तो अच्छा प्रश्न है, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। अगला, यदि किसी समय पर किसी कण के x तथा y निर्देशांक x = 5t + 2t² और y = 10 हो, तो x तथा y मीटर में हो t सेकंड में, तो t = 2 सेकंड पर कण का त्वरण होगा। आपको विस्थापन समीकरण दे दिया, यानी कि r की वैल्यू आपको दे दी, सदिश r को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो xi + yj, दो पदों में दे दिया, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी दे दी, ये 5t - 2t² आ गया, 5t - 2t² * यूनिट वेक्टर i, प्लस y की वैल्यू कितनी दे दी 10t, 10t * यूनिट वेक्टर क्या आ गया बेटा j, ये क्या है सदिश r। तो आपको त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है t = 2 सेकंड पर उसका त्वरण, तो ये तो विस्थापन समीकरण है, त्वरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वेग निकालना पड़ेगा फिर त्वरण, और वेग निकालने के लिए विस्थापन से उसका करते हैं अवकलन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्वरण हमारा पास हो जाएगा v = dr/dt, क्या आ जाएगा बेटा dt, तो dt के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5t का अवकलन 5 आ जाएगा, और ये 2t² का अवकलन करेंगे माइनस, तो 2 की 2 में गुणा किए 2 × 2 = 4t, ये आ जाएगा, और साथ में यूनिट वेक्टर क्या आ गया बेटा आई, आई वाला कर लिया, एक्स अक्ष वाला कर लिया। अब इसका अवकलन कीजिए तो 10t का जब अवकलन करेंगे तो केवल 10 आ जाएगा, और साथ में जे का बेटा जे आ जाएगा, क्योंकि टी का अवकलन क्या होता है 1। तो ये हमारा क्या निकल गया, वेग निकल गया। तो अब मुझे क्या निकलना है, त्वरण,
तो ए बराबर क्या होता है, ये होता है डीवी बटे डीटी, डीवी बटे बेटा डीटी के बराबर होगा। वेग हमारे पास ये आ गया, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी है नहीं तो ये क्या आ गया 0, ये क्या करेंगे -4t, तो टी का अवकलन होगा 1, तो ये आ गया 4, और बाहर क्या आ गया यूनिट वेक्टर आए प्लस 10 में क्योंकि टी नहीं है तो इसलिए इसका अवकलन क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो बस इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सदिश ए बराबर कितना आ गया -4i। अब इसके साथ टी का पद ही नहीं आ रहा है, जब टी का पद नहीं आ रहा तो सीधे त्वरण कांस्टेंट होगा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी बात ध्यान रखें। सीधे यहाँ पर आंसर आ गया -4i, ये आ गया यानी कि ऑप्शन सी सही है, -4i मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके बराबर होगा त्वरण, क्योंकि इसमें टी का फलन नहीं आ रहा तो जो त्वरण है वो कांस्टेंट होगा, समय के साथ बदलेगा नहीं, तो टी बराबर 2 सेकंड पर भी समय क्या होगा जो त्वरण होगा वो यही होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया ये हो गया। ये क्वेश्चन आ रखा था नीट 2017 में, तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, 2023 से स्टार्ट करा 2017 तक पहुंच गया। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन, एक दिन में मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर चलती सीढ़ी जो ऊपर की ओर चलती है के न चलने पर प्रीति उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है तथा उसे T1 समय लगता है, कितना समय लग रहा है T1 समय लग रहा है। तो मान लेते हैं भाई जब सीढ़ी पे चलते हैं ना तो हम ऊर्ध्वाधर गति तय करते हैं, क्षैतिज गति तय नहीं करते, ऊर्ध्वाधर गति तय करते हैं। तो मान लेते हैं एस्केलेटर की जो ऊंचाई थी यहां से लेके यहां तक, एस्केलेटर की ऊंचाई क्या थी h, और जब प्रीति ने इस पर चढ़ी पैदल चढ़ी तो उसको समय कितना लगा T1 समय लगा, T1 समय लगा, और उसका वेग क्या रहा vp, मतलब प्रीति, प्रीति का वेग vp वेग से चली तो T1 समय पर h दूरी उसने तय कर ली। आगे अन्य दिनों में जब एस्केलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रहकर T2 समय में ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि जब एस्केलेटर चल रहा होता है तो ऊंचाई तो यही है तो समय उसको लगता है T2। अब किसकी चाल है, एस्केलेटर की चाल है, यानी कि VA एस्केलेटर की चाल, यह भी ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन समय कितना लग रहा है इसमें T2 समय लग रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा चलते हुए एस्केलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा। अब तीसरी स्थिति क्या हो रही है कि एस्केलेटर भी चल रहा है और उसके ऊपर प्रीति भी क्या कर रही है फटाफट उसी वेग से चल रही है, तो अब टोटल वेग कितना हो गया, टोटल वेग हो जाएगा v1 vp plus va। तो लिखते हैं कुल वेग बराबर क्या आ जाएगा vp plus va। ठीक है, तो चढ़ने में लिया गया समय होगा, आपको समय निकालना है, तो आपको पता है क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है बेटा, तो समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल के बराबर होगा। तो दूरी कितनी है, दूरी तो उतनी है h ही है तो h आ गई ऊर्ध्वाधर दूरी, चाल कितनी है, चाल है vp plus va, क्योंकि एस्केलेटर भी चल रहा है उसके ऊपर प्रीति भी क्या कर रही है ऊपर की ओर चल रही है, तो क्या आ जाएगा vp plus va। और vp और va के मान मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए फिर से चाल बराबर होता है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस वाले फार्मूले से यदि मैं चाल निकालूँ सबसे पहले vp, प्रीति की जो चाल आएगी v बराबर चली गई दूरी h बटे क्या आ जाएगा बेटा t1, ये आ गया। तो यहाँ से मुझे यदि vp का मान निकालना है तो h बटे t1, इसी प्रकार एस्केलेटर की चाल निकालनी है तो क्या आ जाएगा va बराबर दूरी तो h ही है, और जब एस्केलेटर चलता है तो कितनी समय लेता है t2, ये आ गया। तो vp और va का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा h बटे vp प्रीति की क्या आ गया h अपॉन t1 प्लस या गया VA, ये इसका मान गया H अपॉन T2। H कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया ऊपर H, नीचे H कॉमन ले लिया, यहाँ गया 1 upon T1 plus 1 upon T2 के बराबर आ गया। H से H कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यह आ जाएगा T1 T2 बटे नीचे क्या आ जाएगा T1 plus T2, ये समय लगेगा, और देख लीजिए कौन सा T1 T2 बटे T1 plus T2 या T2 plus T1, ऑप्शन सी हमारा सही है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। साफ उसने बताया है जब प्रीति खुद से चलती है, एस्केलेटर रुका हुआ है, खुद से चलती है तो उसकी वेग मैंने मान लिया vp1, समय ले लिया t1, एस्केलेटर की ऊंचाई ले ली ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ले ली h, जब एस्केलेटर केवल चलता है प्रीति खड़ी रहती है तो उसका वेग ले लिया मैंने va, समय लग गया t2, जब एस्केलेटर भी चल रहा हो और प्रीति भी उसके ऊपर चल रही हो तो कुल वेग उनका टोटल वेग क्या हो जाएगा vp plus va, दूरी उतनी रहेगी, h ही दूरी चलनी है हमारे को ऊंचाई में, तो समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर होगी h, चाल को जोड़ दिया, आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से क्यों निकाला, क्योंकि उसने जो डाटा दिया था वो केवल T1 T2 दिया था बेटा, और कुछ नहीं दिया था, इसलिए आपका आंसर T1 T2 के ही पदों में लेना पड़ेगा, बाकी आप h vp
बी ए कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे लग रहा है आसान है। तो ये क्वेश्चन था हमारा नीट 2017 में आ रखा था, तो मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। दो कार्य पी तथा क्यू एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और उनकी स्थितियों को क्रमशः एक्सपीटी इससे तथा इससे निरूपित किया जाता है। किस समय पर दोनों का वेग समान होगा, देखिए किस समय पर दोनों का वेग समान होगा, आपको यह निकालना है। यह भी इसकी दूरी भी समय पर डिपेंड करती है, इसकी दूरी भी समय पर डिपेंड करती है, तो किस समय पर वेग समान होगा, ये तो उनके विस्थापन समीकरण दे रखे। तो xp बराबर दे रखा, xp का मान क्या दे रखा, ये दे रखा at प्लस bt स्क्वायर। तो उसका वेग समीकरण निकालेंगे तो अवकलन करेंगे, v बराबर p का वेग बराबर dxp बटे dt, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a t स्क्वायर at स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा b, 2 आगे आ जाएगा तो क्या आ गया, b इंटू टू इंटू टी की घात कितनी आ गई, एक। अरे कुछ अवकलन कीजिएगा, समाकलन हो गया। चलिए क्या आ गया, a t का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, एक। देखिए अवकलन होता है d बटे डी टी, यहाँ पर t की घात n हो तो ये होता है n t की घात n माइनस वन, ये अवकलन का सूत्र होता है, या डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात एन का सूत्र होता है एन एक्स की घात एन माइनस वन, ये वो सेम सूत्र है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो ए ऐसे ही रह जाएगा टी की घात एक गुणा टी की घात एक माइनस एक यानी कि जीरो, यानी कि आ गया एक। वैसे यहाँ पर करेंगे तो प्लस बी इंटू टू, टी की घात दो में से एक गया एक, ये आ गया। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, वी पी के मान निकल के आ गया, ये आ गया ए प्लस टू बी टी, इतना मान निकल के आ गया वी पी का मान। ऐसे ही निकाल लीजिए ये एक्स क्यू का मान, तो ये आपको पता है एक्स क्यू बराबर दिया है एफ टी प्लस माइनस टी स्क्वायर, तो इसमें भी वेग निकालेंगे क्यू का बराबर, या जाएगा डी एक्स क्यू बटे डी टी, अवकलन करेंगे तो टी का अवकलन हो गया एक, तो यह आ गया एफ, माइनस टू टी का अवकलन करेंगे तो यह आ गया टू टी, इस तरीके आ गया टी स्क्वायर का अवकलन क्या आ गया बेटा टू टी। तो ये वी क्यू का मान भी दे दिया, वी पी का मान भी दे दिया। उसने समीकरण में क्या करा, उसने कहा किस समय पर इन दोनों का वेग समान होगा, समय निकालना है जिस पर इन दोनों का वेग समान। तो यदि दोनों का वेग समान होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, Vp बराबर क्या हो जाएगा, Vq के होना चाहिए, Vp का मान a प्लस टू बी टी, टू बी टी ये Vp का मान आ गया, Vq का मान कितना आ गया f माइनस टू टी, एफ माइनस टू टी ये आ गया। मुझे तो t का मान निकालना है तो t इधर ले आएंगे a उधर, तो आ गया टू बी टी प्लस टू टी बराबर f, a उधर जाकर के हो गया माइनस का, इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, अंदर आ गया टू बी प्लस टू बराबर क्या गया एफ माइनस ए, तो मुझे क्या निकालना है टी का मान, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ माइनस ए बटे नीचे क्या आ जाएगा बेटा टू बी प्लस टू, क्या गया टू बी प्लस टू, ये निकल के आ गया। अब टू बी आप चाहे कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा एफ माइनस ए बटे टू, और यह आ गया बी प्लस वन, ये निकल के आ गया। समय इस समय पर दोनों के वेग क्या होंगे, समान। ऐसे करना है, देखिए क्या आ रहा है f माइनस ए, ये आ गया f माइनस ए बटे टू वन प्लस बी, चाहे b प्लस वन चाहे वन प्लस बी की लिखिए, आंसर ये वाला सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन ए सही है। ये कब आया था, ये नीट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो हमने 2023 से स्टार्ट किया था, 2016 तक पहुंच गया बेटा, ज्यादा समय नहीं लगा। और जैसे जैसे आपके अंदर ये समझ आती जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को करते समय कैसे अप्रोच करनी है, वैसे आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगातार हम आपको जो यूट्यूब में हमारी क्लासेस चल रही है उसमें आपको लगातार देते जा रहे हैं, वो क्लासेस अटेंड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया 2016 का, ये वाला प्रश्न है, नीट 2016 में पूछा गया था। क्या कहते हैं, यदि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस bt स्क्वायर है, जहाँ a तथा b स्थिरांक है, तो इस कण द्वारा एक सेकंड और दो सेकंड में चली, एक सेकंड तथा दो सेकंड, दो सेकंड समय में चली बीच की दूरी होगी, यानी कि एक सेकंड खत्म होकर के दूसरा सेकंड जब शुरू होता है तब चली गई दूरी। तो आपको दूरी निकालनी है, आपको वेग दे रखा है, तो देखिए वेग दे दिया, v बराबर दे दिया, ये हो गया ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। वेग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स बटे डी टी बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। मुझे देखिए चली गई दूरी निकालनी है, दूरी का मतलब मुझे सूत्र विस्थापन में चाहिए, तो डी टी की यहाँ गुणा डी एक्स यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर, ये आ गया ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में आ गया बेटा डी टी। तो दोनों तरफ का समाकलन कर लेना,
ठीक है। अब यहां पर आप चाहें तो समाकलन की सीमा भी लिख सकते हैं। उसने क्या कहा, समय एक सेकंड और दो सेकंड समय में के बीच चली गई दूरी, तो समय शुरू हो रहा है टी बराबर वन से, टी बराबर वन से क्या रहा है टी बराबर टू तक, तो जो चली गई दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, चली गई दूरी मान लेते हैं एक्स है, आप चाहें तो इसको एक्स वन लिख सकते हैं, इसको एक्स टू लिख सकते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये आ गया एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ए टी समाकलन करेंगे तो क्या ए टी स्क्वायर बटे दो, और ये आ गया प्लस बी टी की घात तीन बटे तीन, ये आ गया बेटा। और इसमें समाकलन की सीमाएं क्या आ गई, टी बराबर दो से टी बराबर एक तक, ये आ जाएगी समाकलन की सीमा। तो वैल्यू पुट करें, सबसे पहले ए टी का मान जब दो रखेंगे तो कितना आ गया, ए दो दूनी चार, तो आ गया फोर ए बटे दो प्लस इसका मान रखेंगे तो टी का मान दो तो दो दूनी चार दूनी आठ, ये आ गया आठ बटे तीन इंटू बी, ये आ गया, बीच में माइनस का निशान रखेंगे। अब इसी में टी का मान एक रखना है, तो जब टी का मान एक रखेंगे तो ये आ गया ए बाई टू, और ये कितना आ जाएगा प्लस टी का मान एक रखेंगे तो ये आ गया बी बटे तीन, ये आ गया बेटा। तो चली गई दूरी कितनी होगी दोनों के बीच में, यहाँ निकाल लेते हैं, यह आ गया एक्स बराबर फोर ए बटे दो, फोर ए बटे दो प्लस आठ बटे तीन बी, प्लस आठ बटे तीन बी, माइनस से खोल दीजिए तो माइनस क्या गया ए बटे दो, और माइनस क्या गया बी बटे तीन। तो अब ये ए बाय टू है और ये है फोर ए बाय टू आ गया, तो इसको निकाल लेंगे, चार ए में से एक ए गया तो थ्री ए बाय टू, ये आ गया, आठ बी आठ बटे तीन भी था, यहाँ बी बटे तीन है तो आठ में से एक गया तो कितने गया सात बटे तीन बी, ये चली गई दूरी हमारे पास निकल गया, ये एक्स का मान तो कौन सा होगा, ये थ्री ए बटे दो प्लस सात बी बटे बी, बिल्कुल यही वाला आ रहा है, ऑप्शन बी क्या है सही। इस तरीके से बेटा प्रश्नों को सॉल्व करना है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि यदि आपको वेग दिया है और विस्थापन निकालना है तो उसको dx अपॉन dt रख के समाकलन करना है, यदि आपको दूरी दी है वेग निकालना है तो दूरी का x के सापेक्ष या t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो वेग आ जाएगा, ये प्रोसेस बेटा आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया था, मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलें, अब ये क्वेश्चन आ गया 2015 का बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख के घबरा जाते हो ऐसे प्रश्नों को। क्या कहता है, एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति करता है तथा इसका वेग निम्नांकित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है, vx बराबर बीटा x की घात माइनस टू एन, क्या कह रहा है, यहां बीटा तथा एन दोनों क्या है कांस्टेंट है, x कण की क्या है गति की, कण की स्थिति है, इस कण को त्वरण को x के फलन के रूप में निम्न में से किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी कि त्वरण बताना है, इनमें से त्वरण x के रूप में कौन बताएगा। तो यहां पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है डी वी बटे क्या होता है बेटा डी टी, वेग का जब अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष तो वो हमारा क्या बनता है त्वरण, लेकिन यहां पर टी है ही नहीं, इसमें टी है ही नहीं, तो आप इस वेग का टी के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि आपको डी एक्स से ऊपर गुणा करनी है, डी एक्स से नीचे गुणा करनी है, इसको लिख लेंगे डी वी बटे डी एक्स को यहां ले जा लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी को यहाँ लिख लीजिए, तो डी एक्स बटे डी टी फिर से वेग हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी इंटू डी वी बटे डी एक्स, और ये हमारे पास क्या आ गया त्वरण का सूत्र आ गया। इसका अर्थ है कि मैं त्वरण मुझे निकालना है तो मुझे डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है, जो इस समीकरण से निकल जाएगा क्योंकि ये एक्स के पदों में, तो डी वी बटे डी एक्स निकल जाएगा, और उसका यदि वी के साथ गुणा कर दूँ तो त्वरण निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डी वी बटे डी एक्स निकाल रहा हूँ, डी वी बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, और v का मान आपको पता है क्या है, बीटा x की घात माइनस टू एन, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बीटा इंटू एन एक्स की घात n माइनस वन, तो माइनस टू एन एक्स की घात माइनस टू एन, और इसके आ गया माइनस वन, ये हमारा निकल गया, किसका आ गया डी वी अपॉन डी एक्स का मान, ये निकल गया आ गया, तो ये मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा डी वी अपॉन डी एक्स आ गया निकल के। तो देखिए इसी को सॉल्व कर रहे हैं आगे, इसी को तो क्या आ गया, वेग का मान रखें, वेग का मान क्या आ गया बीटा इंटू एक्स की घात माइनस टू एन मल्टीप्लाई, ये वी का मान मैंने ये रख दिया यहां से बेटा, अब डी वी अपॉन डी एक्स का मान यहां से रखना है, तो क्या आ जाएगा बीटा इंटू माइनस टू एन इंटू एक्स की घात माइनस टू एन माइनस वन, ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के कारण आगे आ गया माइनस, बीटा की बीटा में गुणा होगी तो पहले ये देख लेते, टू आ गया, एन आ गया, बीटा की बीटा में गुणा होगी क्या आ गया बीटा स्क्वायर,
और क्या होगी x की घात माइनस टू एन और ये भी है माइनस टू एन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस टू एन बीटा स्क्वायर x की घात माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस फोर एन माइनस वन। ये हमारे पास किसका माना गया, त्वरण a का माना हो गया। चेक कर लीजिए क्या गया माइनस टू एन बीटा स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस वन, बिल्कुल यही वाला सही है। बाकी में देखिए इसमें प्लस आ गया, इसमें टू एन है इसलिए ये क्या है गड़बड़। बेटा ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं बेटा, तो ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि त्वरण आपके समय के फलन के रूप में ही आपको मिले। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है a बराबर dv अपॉन dt, लेकिन बहुत बार यदि आपको x के रूप में आपको दे रखा हो, विस्थापन के रूप में वेग दे रखा हो, t के रूप में ना हो, तो अब आपको इस वाली ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये त्वरण का हमारे पास सूत्र निकल के आता है इस तरीके से निकल। तो 2015 में अच्छा प्रश्न पूछा हुआ था, मुझे लगता है आसान है, देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कठिन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थिति के निर्देशांक एक्स वाई निम्न प्रकार से है, 2 मीटर 3 मीटर समय टी बराबर 0 पर, फिर 6 और 7 मीटर किस पर टी बराबर 2 पर, और 13 और 14 मीटर टी बराबर 5 पर। तो टी बराबर 0 से टी बराबर 5 तक औसत वेग निकालना। अब आपको काफी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो औसत वेग होता है वी ए वी बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, या कुल विस्थापन बटे कुल समय। वेग सदिश कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो देखिए कुल विस्थापन कैसे निकालेंगे, शुरुआत में स्टार्टिंग में कण कहां पर था, 2 मीटर 3 मीटर, ये था कण के निर्देशांक, ये था 2 मीटर और 3 मीटर। 2 मीटर 3 मीटर मतलब यदि 2, 3 पर था, कहां पर टी बराबर 0 पर, बीच में कुछ भी मान दे रखा है, टी बराबर जीरो पर दे रखा था, टी बराबर 2 पर 6, 7 इससे में मतलब नहीं है, टी बराबर 5 पर उसने क्या दिया है 13 तथा 14 मीटर। तो अंतिम वाला लेंगे टी बराबर 5 पर कितना है 13, 14 मीटर, ये हमें दे दिया। तो आपको निकालना है इनका डिफरेंस, यानी कि इसको मैं लिखूं, ज्यादा डिटेल में लिखना बेटा वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपको समझा देता हूं। इसको मैं R1 लिख लूं तो इसको लिखेंगे 2i + 3j, और इसको लिखेंगे R2 तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13i + 14j, ये आ गया। ठीक है, तो औसत वेग सदिश होगा, औसत वेग का मान कितना होगा अब देख लीजिए। तो R2 - R1 डेल्टा R बराबर R2 - R1, तो 13 में से 2 गया कितना आ गया 11i, और 14 में से 3 गया तो क्या आ गया +11z। ये हमारे पास डेल्टा R का मान निकल के आ गया बेटा, ये कुल विस्थापन, और समय अंतराल आ गया 0 से t का 5, तो वैल्यू पुट करेंगे कुल विस्थापन यानी कि डेल्टा R, औसत वेग भी बटे कुल समय यानी कि डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मान यहां से निकाल सकते हो आप, डेल्टा टी बराबर 5, 5 में से 0 गया 5 सेकंड आ गया, वैल्यू रखें डेल्टा आर का मान 11i + 11j बटे डेल्टा टी का मान कितना हो गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें 11 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया 11/5 कॉमन, अंदर आ गया i + j। इस प्रकार से बेटा इसको सॉल्व करना है, वी एवरेज का मान ऐसे निकालेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको वैल्यूज दे रखी है, ये हमारे को x1 y1 और ये हमारे पास मान लो x2 y2 है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो r1 r2 मान लिए, डेल्टा r ऐसे निकाल के आप ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, AIPMT 2014, आसान है बेटा बशर्ते सदिश के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। तो चलिए मुझे लगता है क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं, 2014 तक पहुंच गए। आगे देखें, v1 वेग से एक कण अपनी तय दूरी की आधी दूरी तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल है। देखिए सेम क्वेश्चन आपके 2023 में भी पूछा गया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो क्या निकालना है, औसत चाल, आपको पता है औसत चाल का मेरा सूत्र था 2v1v2/v1+v2, ये सीधे सूत्र था, सीधे मैंने आपको वहां फार्मूला ड्राइव करवाया था ये कैसे आता है, और यही यहां पर आंसर होगा। देखिए क्या है, ये 2v1v2/v1+v2, ये ऑप्शन बी सही है।
तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बेटा बहुत बार आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बिल्कुल लड्डू होंगे आपके लिए, बिल्कुल केक की तरह होंगे, फटाफट सॉल्व करके आगे निकलेंगे तो समय आपका बचेगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया। और 2023 का प्रश्न बिल्कुल सेम ऐसे ही, पहला क्वेश्चन यही वाला कराया था। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर के वेग से जा रही है और 10 सेकंड बाद यह 40 मीटर के वेग से उत्तर की ओर गति करती है। वस्तु का औसत त्वरण है। पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको पता ही है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो पहले कितनी जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा ये है, ये चलेगी, इसका वेग क्या है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, वेग दे दिया। फिर 10 सेकंड पश्चात ये 40 मीटर के वेग से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमने उत्तर की ओर लगा दिया, इसका वेग कितना है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण है, त्वरण निकालने के लिए वेग परिवर्तन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन को आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, यही तो होगा, दो सदिशों का जो परिणामी होता है वैसे ही तो निकालते हैं। डेल्टा वी, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा वी वेग परिवर्तन का मान सदिश में ही होगा, लेकिन इसका परिमाण कितना होगा आपको पता होना चाहिए। आपका परिमाण कितना होगा, क्योंकि डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ये बेटा 40 है, ये वाला 30 है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो इसका परिमाण, डेल्टा वी का परिमाण हम निकाल रहे हैं, तो यह गया 40 का स्क्वायर यानी कि कितना गया 1600 प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि आ गया 900, टोटल कितना गया अंडर रूट 2500, तो ये आ गया यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर कितना गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, वस्तु का औसत त्वरण। अब औसत त्वरण आपको पता होना चाहिए, औसत त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन कितना आ गया 50 बटे समय कितना था, ये देखिए 10 सेकंड बात कर रहा है, तो टी का मान कितना है 10 सेकंड, तो 10 रख लीजिए, तो 10 से काटेंगे कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका बार आ गया, चेक कर लीजिए, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से बेटा प्रश्न सॉल्व करना है, समझना बात को। ये हम सदिशों के रूप में इसको वेग यूज कर रहे हैं, ये पहला वेग आ गया आपको जो V1 दे दिया, ये दूसरा वेग दे दिया जो कि क्या है V2 है, और आपको वेग में परिवर्तन कितना हुआ ये इस आपको जो वेक्टर सम होता है, सदिश योग होता है, उससे पता चल जाएगा। दो वेक्टरों का सदिश का योग कैसे निकालते हैं, परिणामी कैसे निकालते हैं, उससे आपने सॉल्व। तो चलिए, मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा भी बराबर, तभी बराबर, ये एक्स अक्ष की दिशा में है तो 30i प्लस ये वाई अक्ष की दिशा में है तो 40j, ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा। अब इसका परिमाण निकालना, ये तो सदिश रूप में था, वेग परिमाण निकालना है, डेल्टा वी का मॉडुलस निकालना है, तो ये आपको पता ही है कितना होता है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सेम ऐसे सॉल्व कर लेते, चाहे ऐसे कीजिए चाहे डायरेक्ट ऐसे कीजिए, बात सेम, इस तरीके से आपने ये निकालना है। चलिए, ये आता क्वेश्चन नंबर हमारा 2011 AIPMT 2011 का प्रश्न था, मुझे लगता है आसान था, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, ये है AIPMT 2010 में पूछा हुआ है। क्या कह रहे हैं प्रश्न देखते हैं, कहते हैं एक गेंद विरामावस्था से यानी कि टी बराबर 0 समय पर किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। मान लेते हैं ये हमने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म ले लिया और यहां से हमने क्या कर दी, एक बॉल को छोड़ दिया, क्या था टी बराबर 0 सेकंड पर हमने बॉल को छोड़ दिया। ठीक है, इसके 6 सेकंड बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य गेंद वी वेग से नीचे फेंकी जाती है, यानी कि इसी वेग प्लेटफॉर्म से टी बराबर 6 सेकंड पर एक वेग फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन उसको वी वेग से फेंक रहे, जबकि इसको 0 वेग से फेंक रहे थे, इसको छोड़ रहे थे पहली बॉल को, दूसरे को वी वेग से फेंक रहे। ठीक है, वी वेग से नीचे की ओर फेंकी जाती है, दोनों गेंदें 18 सेकंड बाद मिलती है, दोनों सेकंड गेंदें 18 सेकंड बाद मिलती है, यानी कि 18 सेकंड में उनके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, समान होगी। समझ रहे होंगे बात को, 18 सेकंड बाद चली गई दूरी दोनों की क्या होगी, समान। तो 18 सेकंड मान लेते हैं ये हो रहे, तो ये चलेगी टोटल 18 सेकंड और ये चलेगी 12 सेकंड, तो इसके द्वारा जो ये वाला हमारा पोर्शन होगा, ये इसके लिए टी बराबर क्या होगा 18 सेकंड, क्योंकि टी बराबर 0 पे छोड़ी गई थी, और इसके लिए टी बराबर कितना होगा बेटा 12 सेकंड, ये होगा। ठीक है, अंतिम एक कुछ भी हो लेकिन इनकी क्या हो गई, समान
18 सेकंड बाद मिलती है, मतलब चली गई दूरी समान, चली गई दूरी समान है। आपको गति का दूसरा समीकरण पता है, s बराबर ut प्लस हाफ क्या आ जाता है, gt स्क्वायर। ये लिख लेते हैं। तो पहली गेंद के लिए आ गया s1, u का मान क्या हो गया 0 प्लस 1 बटा 2, g की वैल्यू g, और t का मान कितना है 18 सेकंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैं, ठीक है। तो s1 बराबर कितना आ गया 1 बटा 2 गुणा g गुणा 18 गुणा 18, ऐसे लिख लेते। अब दूसरी गेंद के लिए निकालते हैं, चलिए दूसरी गेंद के लिए ये समीकरण यूज करेंगे, इस वाली गेंद के लिए। इसके द्वारा चली गई दूरी मान लेते हैं s2 है, और प्रारंभिक वेग सूत्र तो यही वाला लगेगा, प्रारंभिक वेग कितना है इसका v, तो क्या आ गया v, और t आ जाएगा, तो t का मान ध्यान रखना इसके लिए कितना है 12 सेकंड, तो ये आ गया v गुणा 12 प्लस 1 बटा 2 g, और दूसरी बार t का सेकंड कितना आ गया 12 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, चूंकि s1 बराबर क्या है s2 के, तो क्या लिख लेंगे s2 का मान 12 v, या गया 12 v प्लस 1 बटा 2 क्या आ गया g गुणा 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणा 12 बराबर इधर आ गया 1 बटा 2 जी, क्योंकि ये वाला पद S1 S2 के बराबर है, तो S1 ये आ गया 1 बटा 2 गुणा जी गुणा 18 गुणा 18, ऐसे लिख सकते हैं। बस बेटा इसको सॉल्व करना है, आपका भी का मान आ जाएगा, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको उधर की ओर ले जा लेते हैं, तो ये आ गया 12 भी बराबर, चलिए इसको काट देते हैं, दो से काट देते हैं, दो छिंग 12 छिंग 72, तो ये कितना आ गया 72 जी, तो 72 जी उधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस 72 जी, इसको काटेंगे दो से काट देते हैं, 9 18 निम्मा 162, तो ये आ गया 162 जी माइनस 72 जी, तो 72 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 जी के बराबर आ गया, तो 12 टी बराबर आ गया 90 जी, यहाँ पर आ गया 12 वी बराबर कितना आ गया 90 जी, तो वी बराबर 90 गुणा जी का मान अगर आपको दिया है तो रख सकते हैं, जी का मान 10 है, 10 बटे नीचे कितना आ गया बेटा 12, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, क्या लगभग आ रहा है, हाँ आ जाएगा, दो से काटेंगे, दो छिंग 12, दो पंजे 10, छः से काट देंगे, छः एकम छः, छः पंजे 30, तो 15 पंजे 75, तो कितना आ गया 75 मीटर पर सेकंड का वेग होगा, जिस वेग से दूसरी बॉल को नीचे फेंका गया होगा उसका वेग 75 मीटर पर सेकंड होगा। इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना है। देखिए ये इतना लंबी कैलकुलेटिव पार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इक्वेशन बना के लिख रहे हैं, आपको ये अलग अलग नहीं बनानी, आपको सीधे क्या लिखना था, एक तरफ की इक्वेशन जो मैंने ये बनाई है इसको सीधे बराबर रख लेते इस वाली इक्वेशन के, अलग अलग नहीं बनाते, तो ये वाला स्टेप सीधे आपका यहाँ से आता, ये ऊपर का हट जाता, केवल ये स्टेप यहाँ से शुरू करना था, कटिंग करके आपका आंसर निकल जाता। ये तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, और सही आंसर आपको पता है ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ए आ गया। तो बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके ये स्टेप्स कम होते जाएंगे, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे चलें, 2010 तक हो गए। एक कण समीकरण एक्स बराबर टी प्लस 5 की घात माइनस 1 के अनुसार टी सेकंड में एक्स दूरी तय करता है, तब कण का त्वरण अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए त्वरण आपको निकालना है। अब आपको पता है जब विस्थापन समीकरण दे रखा हो और आपको त्वरण निकालना हो तो अवकलन करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 5 की घात माइनस 1 ये दे दी, तो डी एक्स बटे डी टी ये निकालेंगे तो ये वेग निकल जाएगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा n, यानी कि माइनस 1 गुणा टी प्लस 5 की घात n माइनस 1, यानी कि माइनस 1 और माइनस 1 यानी कि हो गया माइनस 2, ये हमारा वेग का माना गया v बराबर माइनस टी प्लस 5 की घात क्या गया माइनस 2। अब त्वरण निकालना है तो a बराबर किसके होगा, dv बटे dt के, इसका अवकलन कीजिए तो माइनस 2 की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस 2 n x की पावर t माइनस, ये देखिए t प्लस 5 था, हाँ ठीक है t प्लस 5 है, तो t प्लस 5 और इसकी घात कितनी है बेटा, यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आ गया, ये अवकलन है ना, एन एक्स की घात एन माइनस 1 ये आपने लगा दिया, तो माइनस 2 की माइनस में गुणा होगी तो क्या आ गया 2, और साथ में आ गया टी प्लस 5 की घात क्या आ गया माइनस 3। अब ये आप समीकरण देखिए, पहले कह रहे दूरी की घात 2, तो दूरी की घात 2 तो नहीं है क्योंकि दूरी का मान टी प्लस 5 की घात माइनस 1 है,
और यह है माइनस तीन, तो दूरी की घात यदि तीन कर देता तो सही था, तो दूरी की घात तीन तो कहीं नहीं है। आप देख लीजिए इसमें दो है, इसमें माइनस दो, इसमें दो बटा तीन है। यदि मैं दूरी रखूं तो ये, क्योंकि अनुक्रमानुपाती कह रहा है ना, देखिए अनुक्रमानुपाती, बात को समझना एक बात, ये ए अनुक्रमानुपाती है किसके, तो मैं लिखूंगा ए अनुक्रमानुपाती, कॉन्स्टेंट दो को छोड़ दीजिए, अनुक्रमानुपाती है टी प्लस पांच की घात के आगे माइनस तीन। तो इसलिए आपको केवल इसकी पावर्स पे ध्यान देना है। अब मैंने कहा यहां दूरी का मान है टी प्लस पांच की घात माइनस एक, तो माइनस एक यदि यहां रखेंगे तो ये तो तीन गुना होनी चाहिए, दूरी की घात तीन होनी चाहिए जो कि कोई नहीं है, तो तीनों ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहली बात क्लियर होगी। लेकिन इसको सॉल्व करके मैं बताऊं कैसे, आप क्या कीजिए इसमें, इसमें आपने क्या करना है कि दो की अंश में गुणा कर दीजिए और दो की हर में गुणा कर दीजिए। तो मैंने दो की हर में गुणा कर दी और दो की अंश में गुणा कर दी, ठीक है। अब देखिए वेग का मान कितना है, माइनस टी प्लस पांच की घात माइनस दो, तो माइनस छोड़ दीजिए, कॉन्स्टेंट को छोड़ दीजिए, तो ये अगर टी प्लस पांच की घात माइनस दो है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अनुक्रमानुपाती होगा टी प्लस पांच, टी प्लस पांच, और इसकी घात पहले मैंने क्या लिख ली, माइनस के साथ दो लिख लिया, माइनस दो लिख लिया, और इस पूरी की घात मैंने बेटा कितनी लिख ली, तीन बटे दो लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तीन दूनी छह बटे दो, इसमें भी देखिए तीन दूनी छह बटे दो माइनस में सेम आ गया। अब t प्लस पांच की घात माइनस दो किसके बराबर है, ये तो v के बराबर है, तो a प्रोपोर्शनल होगा v की घात कितना है, तीन बटे दो, ये v की वैल्यू थी, t प्लस पांच की घात माइनस दो। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, सही। थोड़ा सा आंसर के हिसाब से बेटा मैनिपुलेट करना सीखो, अपने जो फाइनल आंसर होता है उसको उससे मैचिंग करवाओ किस तरीके से वो सही होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप देख करके ही समझ जाते हैं कि ये ऑप्शन तीनों गलत है, तो चौथा ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा था 2010 में पूछा हुआ था, AIPMT 2010 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 2009 AIPMT 2009 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। क्या कहते हैं, एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल 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 ध्यान देना चाल से, एक सीधी सड़क पर गतिमान है। एक स्कूटर चालक 100 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है, कितना, 100 सेकंड में बस से आगे। यदि बस स्कूटर चालक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तब स्कूटर चालक को किस चाल से बस का पीछा करना चाहिए, ठीक है, कितने सेकंड में निकलना चाहता है, 100 सेकंड में। तो 100 सेकंड में ये जो बस चलेगी ये भी तो कुछ दूरी तय करेगी ना, समझना। ये मैंने बस बना दी, लीजिए ये इस बस की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। और कोई स्कूटर सवार यहां पर है, ये स्कूटर सवार मैंने ले लिया ऐसे वाला, ये स्कूटर सवार है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये पहले से कितनी है, 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस पहले से 1000 मीटर। अब ये क्या कर रहा है, ये स्कूटर सवार चाह रहा है जो बस इससे 1 किलोमीटर आगे है, 1000 मीटर आगे है, उसको वो, और दो जो 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है उसको वो 100 सेकंड में पार कर ले। पहले तो 100 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस चलेगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, फिर उस दूरी को इस दूरी में जोड़ करके हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। करें शुरुआत करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बस द्वारा 100 सेकंड में चली दूरी कितनी दूरी होगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है बस की, 10, दूरी समय कितना है, 100 सेकंड का, तो टोटल कितना आ गया, 1000 मीटर। तो अब स्कूटर सवार को चली गई दूरी, स्कूटर सवार कितनी दूरी तय करेगा, ये पहले शुरुआत में इतनी दूर है, अब बाद में ये बस यहां पर पहुंच गई, ये डिस्टेंस भी कितनी है यहां से लेके यहां तक की, ये भी 100 मीटर, 1000 मीटर है, तो इसको टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी है, 1000 मीटर ये, 1000 मीटर ये, तो टोटल इसको डिस्टेंस कितनी चलनी है बेटा, स्कूटर सवार को यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2000 मीटर। इतनी दूरी चलनी है कितने समय में, 100 सेकंड में, तो इसकी चाल होगी, क्योंकि स्कूटर सवार की चाल कितनी हो जाएगी, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी होगी बेटा, 2000 बटे समय कितना है, 100 सेकंड में पार करना है, 0000, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना पड़ेगा, तो क्या करेगा, पार कर जाएगा, ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन।
कब पूछा था? 2009 में पूछा था। सिक्वेंस में चलोगे, स्टेप वाइज चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आसानी से आप इसको कर सकते। तो ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया। आगे देखें अगला प्रश्न। एक कण विरामावस्था से आरंभ करके 4/3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। तो त्वरण हमें दे दिया a बराबर 4/3, कितना आ गया 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान। विरामावस्था से तीसरे सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा? विरामावस्था से तीसरे सेकंड में, तीन सेकंड में नहीं बोला, तीसरे सेकंड में, यानी कि आपने वो एनवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र पता करा होगा, तो आपको पता है विरामावस्था कह रहा, तो यू बराबर कितना होता बेटा? जीरो। तो एनवे सेकंड में, एनवे सेकंड में चली दूरी, चली दूरी का सूत्र पता है, एस एनवे बराबर होता है यू प्लस ए बाई टू, और ये होता है 2n-1। ये सूत्र होता है, यू का मान क्या हो गया? जीरो। त्वरण कितना दे दिया? 4/3, और साथ में कितना गया? 2। एन का मान कितना? तीसरे सेकंड में, ये हमें एन का मान दे दिया, एन बराबर 3। तो रखेंगे 3, 2 × 3-1, तो कितना आ गया? 2 से काट दीजिए, 2 × 4, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3 × 6 में से गया, कितना आ गया? 5। 5 × 10/3, क्या गया? 10/3। इतने मीटर की दूरी क्या करेगा बेटा? तय करेगा। तो 10/3 मीटर की ये क्या करेगा? दूरी तय करेगा। इस तरीके से यूज़ करना। देखिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हुआ है ये वाला, और कब क्वेश्चन आ रखा था? 2008 में प्रश्न आया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल गहराई के प्रश्न पूछें आपसे, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछेंगे, आपको समझ में आएंगे, सीधे फार्मूला लगाइए, आंसर निकलता। आसान प्रश्न था, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने भी प्रश्न हैं आप जाकर के कहीं भी देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं इनको कोई मैनिपुलेट कराओ, कुछ चेंज कराओ, कोई डाटा चेंज नहीं है, सब चीजें एज इट इज सेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख दिया, एक कण के लिए दूरी समय वक्र निम्न चित्र में दिखाया गया है। दूरी समय वक्र निम्न चित्र में दिखाया गया, क्या कहते हैं? इसका अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु के निकट होगा? तात्कालिक वेग का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें क्या बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें वेग बताता है, और ढाल जितना ज्यादा होगा वेग उतना ज्यादा होगा, ढाल जितना कम होगा वेग क्या होगा? कम होगा। यदि मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं और मैं इस पे, ये हमारे पास समय टी है, ये हमारे पास दूरी एस है, एक पहला ये वाला है, दूसरा ग्राफ ये वाला है, मैं कहूँ किसका वेग ज़्यादा होगा? तो आपको पता होना चाहिए, ये यदि V2 है, ये है V1, V2 ज़्यादा कोण ड्रॉ कर रहा है, इसलिए V2 का मान बड़ा होगा किससे? V1 से। अब ये तो औसत वेग है, जब एक ही ग्राफ हो तो आपको देखना है कहाँ पर ढाल ज़्यादा है। इसमें ग्राफ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रखा है, इसका ढाल थोड़ा बी और सी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ए में तो ये ऐसे जा रहा है, ढाल ऐसे जा रहा है, सी में, डी में ऐसे जा रहा है, ए जो सी वाला पोर्शन है इसका ढाल क्या है? सबसे ज़्यादा होगा। इसका ढाल फिर भी थोड़ा सा क्या होगा? स्लोपी है। इसका ढाल फिर भी स्लोपी है, तो सी पर ढाल सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे अधिकतम वेग क्या होगा? सी का होगा। ग्राफ में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राफ यदि आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जिसमें ढाल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा जहाँ ढाल अधिक होगा, अधिक होगा। और मैंने कहा ये ढाल सबसे ज्यादा कहाँ है? बी पर, बिंदु बी पर नहीं है, सी पर है, डी और ए पर तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा? सी पर ढाल अधिकतम है, अधिकतम है। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि दूरी और समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है। ढाल जहां सबसे ज्यादा वहीं पर तात्कालिक वेग भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्लियर होगी बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 2008 में आ रखा था बेटा, ये 2008 का प्रश्न था। आगे देखें, एक कण अचर त्वरण से एक सीधी रेखा पर चल रहा है, त्वरण अचर है, यानी कि गति के समीकरण लग सकते हैं। गति के दौरान ये टी सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। टी का मान होगा, आपको टी का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 135 मीटर की दूरी चलने पर, टी सेकंड में 135 मीटर की दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, टी का मान होगा। चलिए, तो हमारे को ये क्या दे दिया? प्रारंभिक वेग दे दिया यू, ये क्या दे दिया? वी दे दिया, ये क्या दे दिया? एस दे दिया। तो आपको पता ही है किसका मान निकालना है? टी का मान ज्ञात करना है। कौन से समीकरण में आता है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस का मान कितना है? 135,
यू का मान कितना है, यू का मान आ गया 10u प्लस 1/2 ए का मान। अचर त्वरण से इस दौरान टी सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, टी का मान ज्ञात कीजिए, टी का मान होगा। अरे बाप रे, इसमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि दूरी हमें दे दी है, ये दे दिया है, तो बेटा टी का मान ज्ञात करने के लिए एक और समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें त्वरण नहीं पता। जब तक त्वरण नहीं पता तब तक हम टी का मान नहीं निकाल सकते, हमें ए का मान पता होना चाहिए, तो ए का मान इससे निकाल लेंगे। वी का मान कितना हो गया 20 का स्क्वायर बराबर यू का मान 10 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2। ए का मान कितना आ गया बेटा, ए का मान हमारे को दे दिया ज्ञात करना है, और एस कितना हो गया 135। तो क्या आ गया 20 का स्क्वायर का आ गया 400, 10 का स्क्वायर 100 इधर लाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 100 बराबर 2 ए गुणा 135। तो यहाँ पर रख लीजिए ए, यहाँ आ गया 300 बटे नीचे आ गया 2 गुणा 135, काट दें इसको, 2 से काटेंगे तो क्या आ गया 150, 15 से काट देंगे तो 15 धाम 150 और 15 निम 135, तो ए का मान क्या आ गया बेटा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, त्वरण का मान हमें निकल गया। अब त्वरण का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ गया 1/2 गुणा ए का मान कितना आ गया 10/9, और टी का मान टी स्क्वायर रख लिया तो देखें 135 बराबर यह आ गया 10u, 2 से इसको काट देते हैं, 2 × 5 = 10, तो कितना आ गया ये 10, देखिए ये u की जगह t है, यह प्रारंभिक वेग u है तो ये 10t है, तो क्या आ गया 10t प्लस कितना आ गया 5/9 टी स्क्वायर। तो आपके पास एक द्विघाती समीकरण आ गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना बेटा, आसानी से इसका मान निकल जाएगा। क्या करना है आपको, 9 का एलसीएम लेकर के यहाँ पर ले जाना है, आपका टी का मान निकल जाएगा, यही इसने क्या कहा है टी का मान। तो बेटा सॉल्व करना, आसानी से इसका मान निकल के आ जाएगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो कोई समस्या नहीं है इस वाले प्रश्न में, मुझे लगता है इतना ज़्यादा एक कण चलने सीधी रेखा पर चला गति के कारण टी सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, टी का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हमने क्या निकाल दिया, ए का मान निकाल दिया, ये 400 में से 100 गया 300 आ गया बटे 2 गुणा 135। जरा मान देखें, इसके मान सही है, मान चेक करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर ये 2008 का प्रश्न बेटा, एक बार इसका बस डाटा चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैसे आती नहीं है नीट के प्रश्नों में। देखें डाटा 135 10 20 ठीक है 10 1.8 ये तो ठीक है, इसको सॉल्व करके बेटा देखना सही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व जो करके आएगा उसका मान क्या हो जाएगा 9 सेकंड आ जाएगा, बस इसके समीकरण को सॉल्व करना, 9 एलसीएम लेना है बेटा और कुछ नहीं। तो 9 एलसीएम लेकर के काम करोगे, टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9 सेकंड आ जाएगा। गति के ये द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आ गया x अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में निर्धारित स्थान x, समीकरण x बराबर 90 स्क्वायर प्लस t क्यू, तो x बराबर दे दिया 90 स्क्वायर और माइनस t क्यू द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि x मीटर में t सेकंड में हो तो प्लस x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम होगी। देखिए चाल उच्चतम का अर्थ है कि उसके बाद त्वरण शून्य हो जाएगा। चाल उच्चतम का मतलब है अब उच्चतम चाल से कोई कण चल रहा है, यानी कि अब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उच्चतम चाल का मतलब क्या है, उच्चतम चाल का मतलब क्या होगा कि त्वरण a बराबर क्या होगा 0। तो इससे त्वरण निकालना है तो सबसे पहले वेग निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू dx बटे dt निकालेंगे इसको, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 9 दुनी 18t और यह आ गया -3t2। यह आ गया v का मान इतना आ गया, तो त्वरण निकालेंगे a, ये हो जाएगा dv बटे dt, तो इसका फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 18 और यह आ गया -3 × 6t इसके बराबर आ गया। तो अब a बराबर आपको 0 रखना है क्योंकि उच्चतम चाल के लिए a बराबर 0 है, तो लिखेंगे जब यह जगह a बराबर 18 − 6t, तो 18 − 6t बराबर क्या आ गया 0, तो क्या आ जाएगा यह जगह 6t बराबर 18, तो t बराबर क्या आ गया 18/6, तो कट जाएगा t बराबर क्या आ गया 3 सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि
टी बराबर 3 सेकंड पर इसकी चाल क्या होगी, उच्चतम होगी। तो अब आपको एक्स का मान निकालना है कि एक्स दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम होगी। चाल उच्चतम होगी टी बराबर 3 सेकंड पर, चाल उच्चतम होगी। तो यदि चाल उच्चतम होगी तो विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 9t² माइनस क्या है t³। वैल्यू रखें t बराबर 3 रखने पर वैल्यू रखें तो क्या आ गया, x बराबर क्या हो गया 9 × 3² 3 9 माइनस 3² 3 9 27, तो क्या आ गया 81 - 27, तो कितना आ जाएगा, 81 में से 27 गया, ये आ जाएगा 54। तो 54 मीटर के बराबर क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा, ये आ गया 54 मीटर। इस प्रकार से निकालना है। इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये वाली है बेटा, ये कंडीशन ध्यान रखना, चाल तब उच्चतम होती है जब त्वरण शून्य हो जाए, क्योंकि चाल उसके बाद बदलनी नहीं चाहिए उच्चतम पहुंच कर, तो उसके लिए ये बराबर 0 होना चाहिए। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कब आया था, 2007 में ये प्रश्न आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया 2006 में ये प्रश्न आया। तो क्या है प्रश्न, ध्यान देना बेटा, 2006 में क्या कहते हैं कि दो पिंड ए द्रव्यमान का 1 किलोग्राम और बी द्रव्यमान का 3 किलोग्राम को क्रमानुसार ऊंचाइयों से 16 मीटर और 25 मीटर से छोड़ा गया, यानी कि इनकी ऊंचाइयां क्या थी, यहां से ये पहला कितना है 16 मीटर और दूसरा कितना है बेटा, ये वाला ये है 25 मीटर, 25 मीटर से छोड़ा जाता है, ये तो छोड़ा जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ये आ गया और ये आ गया, तो u बराबर यहां भी 0 और u बराबर यहां भी 0 छोड़ा जाता है, ठीक है। इनके पृथ्वी तक पहुंचने के क्रमागत समयों का अनुपात होगा, क्रमागत समयों का अनुपात होगा। दोनों को क्या करा गया है, दो पिंड ए इतने किलोग्राम बी इतने किलोग्राम को क्रमानुसार 16 मीटर तथा 25 मीटर में छोड़ा गया, पृथ्वी तल तक पहुंचने गए समयों का अनुपात होगा। तो देखिए इसका समय मान लेते हैं t1 है, इसका समय मान लेते हैं t2 है, तो समय निकालना। तो आपको दूरी दे रखी है, प्रारंभिक वेग दे रखा, समय दे रखा है, तो ये समीकरण कौन सा होता है, चली गई दूरी s1, s बराबर ut + ½at², s बराबर ut + ½at², चूंकि u बराबर क्या है 0, तो चली गई दूरी बराबर 1/2 at² के बराबर होगी, और a की जगह क्या ले लेंगे बेटा, g ले लेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, नीचे गति कर रहा है, तो g ले लेंगे। तो पहले के लिए s1 के लिए आपको पता है s1 कितना है, 16 मीटर है, s1 बराबर क्या आ गया 16 मीटर और ये बराबर हो गया 1/2 और साथ में आ गया g। t का मान कितना, t₁²। ऐसे दूसरे के लिए s2 के लिए चली गई दूरी कितनी है इसकी, 25 मीटर, तो लिखेंगे 25 बराबर 1/2 जी, दूसरे का समय कितना है t₂²। आपको समय का ही तो अनुपात निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चलिए डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, ये बटे और ये बटे काट देते हैं, तो क्या गया 1/2 से 1/2 कट गया, जी से जी कट गया, तो क्या गया t₁², t₁² बटे t₂² बराबर इधर क्या गया 16/25, इसको मैं लिख सकता हूँ t₁/t₂² ये हो गया 4/5² स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो t₁/t₂ बराबर कितना आ गया बेटा 4:5, ये हमारा मान निकल के आ गया 4:5, ये आ गया 4/2, डी ऑप्शन सही होगा। तो दोनों जिस समय पर जमीन में पहुंचेंगे उन समयों का जो अनुपात होगा 4:5 के बराबर होगा, 4:5 के बराबर होगा। इस प्रकार से बेटा इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2006 का। तो बस प्यारे बच्चों आज हमने 2023 से लेकर के बेटा 2023 से 2006 तक के बीच जितने भी नीट के प्रश्न आए हैं उन सबको सॉल्व कराए। मुझे उम्मीद है आज की क्लास बहुत अधिक फ्रूटफुल है आपके लिए। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बेटा इन वीडियोस को जरूर देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, तो मुझे लगता है मंजिल दूर नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।